वेलकम टू द न्यूज रडार। आप सभी अपने बारे में बताइए। आई सूरज शर्मा, एमएससी स्टूडेंट सीएसकेएचपीटीवी एंड आई एम ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कैंपस प्रेसिडेंट सीएसकेएचपीटीवी। आई नितिका ठाकुर, स्टूडेंट ऑफ सीएसकेएचपीटीवी एंड आई एम एबीवीपी सीएसकेएचपीटीवी यूनिट स्पोक्सपर्सन। यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो डीन का घेराव किया था, वो पूरा मुद्दा है क्या? इसमें पूरा मुद्दा ये है कि यूनिवर्सिटी में जो अभी कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस है, वहां पे 4-year डिग्री प्रोग्राम चलता है, बीएससी कॉम्प्यूटर साइंस का एंड बीटेक का, जिसके रिजल्ट जो है करीब एक साल के जो रिजल्ट्स हैं वो डिले चले हुए हैं, और जिसमें जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं, उनके एग्जाम भी लगने वाले हैं, पर उनका जो अभी फर्स्ट ईयर का किसी भी सेमेस्टर का ना फर्स्ट सेमेस्टर का ना सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। इसके साथ ही जो उनके सीनियर बैच है थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं, उनका भी अभी तक फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, वो भी अपने सेमेस्टर में पहुंच गया है और अभी एंड टर्म उनका खत्म होने वाला है, और जो 2019 वाला बैच है वो अपने फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर पहुंच गया है, मीन्स 8th सेमेस्टर में, और उनका अभी तक 6th सेमेस्टर का यानी कि थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ पाया, जिस कारण उनको जो है आगे करियर के लिए जो है आपका विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं पर अगर यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद कहीं पर अप्लाई करते हैं उनको प्री फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट देना होता है जो कि 7th सेमेस्टर का रिजल्ट है, पर वो उसको यूनिवर्सिटी ने अब तक रिलीव नहीं किया है और ना ही तब तक रिजल्ट मिला है। कॉलेज प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? हम 25 तारीख को डीन ऑफ कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर साइंसेज के पास गए थे, उनसे हमने बात की है, साथ में हमें उनको अल्टीमेटम दिया था 10 डेज का, उस पर उन्होंने कहा कि हम 10 डेज के अंदर जो है इस रिजल्ट को फाइनल करके बच्चों को दे देंगे, पर अभी तक भी जो रिजल्ट है वो अब तक पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाया है। हम 25th को गए थे, अभी कुछ टाइम बचता है जब तक हमने अल्टीमेटम दिया है, और उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम अभी इसके आंदोलन के लिए जाएंगे। जी, पहले भी कभी इस तरह का मामला आया है? नहीं मैम, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। एक्चुअली यूनिवर्सिटी अकेडमिक कैलेंडर रिलीज करती है हर साल, अकेडमिक कैलेंडर में ऐसा साफ साफ लिखा गया होता है कि रिजल्ट की डेट क्या रहेगी, पर इस बार ही ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है वो अकेडमिक कैलेंडर को फॉलो नहीं कर पा रही है और जिस कारण रिजल्ट डिले हो रहा है। जी, आपके नजरिए से इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेनली इसके लिए जो कॉलेज का स्टाफ है और जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, मेनली मैं तो कहूँगा कि जो डीन है कॉलेज के वही इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उनके लिए एक स्पेसिफिक डेट होती है जब उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस यानी कि अकेडमिक ब्रांच में रिजल्ट भेजना होता है, परंतु अभी तक जो है वो कॉलेज की तरफ से ही रिजल्ट अकेडमिक ब्रांच में नहीं जा पाया। रिजल्ट ना आने की क्या वजह बताई जा रही है कॉलेज की तरफ से? रिजल्ट ना आने के लिए डीन सर ने कोई फिलहाल तो वजह तो नहीं बताई, हमारे बार बार पूछने के बाद भी कोई वजह बताने में समर्थ नहीं थे डीन साहब, परंतु उन्होंने फिर भी कहा कि जो रिजल्ट अभी कंपाइल नहीं हो पाए इस कारण रिजल्ट अब फिर डिले हो रहा है। यदि आपके दिए हुए टाइम में अगर यूनिवर्सिटी में कोई कदम नहीं उठाती है इसके ऊपर, तो आपका अगला प्लान क्या है इसके बारे में बताएं? इसके लिए अगर तो यूनिवर्सिटी प्रशासन रिजल्ट टाइम से रिलीज करने में देरी करती है तो हम इसके बाद जो है देखिए आप कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ, जो है बच्चे जो है पहले भी अपनी आवाज उठाते आए हैं और आगे भी उठाते हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से लिखित रूप में तो ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने जो मेमोरेंडम उनके पास दिया था तो उस वक्त जब वर्बली बात हुई तो वर्बली उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे, अगर रिजल्ट्स नहीं निकाले जाएंगे 10 दिन के बाद तो फिर आगामी हम देखेंगे इसमें हमें क्या आगे इसमें प्रोटेस्ट करना है या कुछ और करना है, तो उसमें हम करना है।